भैया जल्दी करो, अगर बस निकल जाएगी तो स्टॉप पर बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। कितना भी सुबह जो देर हो ही जाती है। हाँ खड़ा हुआ है, कितना फारिग है, हर वक्त यहाँ टहलता रहता है। हाँ तो ये गली सिर्फ हमारी नहीं है ना, गली पूरे मोहल्ले की है। और कुछ लोग होते हैं जो सुबह सवेरे सैर करने के लिए आते हैं। ऐसे लोग सुबह की सैर नहीं करने आते, लड़कियों को ताड़ने आते हैं। सुनो कोने में ही तो खड़ा हुआ है, कौन सा हमारा पीछा करते करते बस स्टॉप तक आ जाएगा। इसी बात का तो मुझे डर है, लेकिन पता है हमारी अम्मा को नहीं जानता। अम्मी को ऐसा वैसा कुछ ना बताना, नहीं तो हमारा कॉलेज जाना भी बंद हो जाएगा। अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, मुझे मेरी पढ़ाई की बहुत फिक्र है, स्कूल की प्रिंसिपल बनना चाहती हूँ। सुनो ऐसे एक बात है, लड़का है बहुत गुड लुकिंग, बिल्कुल ड्रामों के हीरो जैसा। अपनी नज़र का इलाज करो, ऐनक लगने वाली है तुम्हें। ड्रामों का हीरो कोई एक्स्ट्रा लगता है। अच्छे भले लड़के की ना तुमने बेइज्जती कर दी है। चलो Assalamualaikum मैम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया मैम, तो हमेशा बहुत अच्छी लगती हैं। उशार ने क्या खूब कहा है कि आप अपना तारुफ खुद बाहर होती हैं। सर शावियस का जौक भी ना, ये शायरी भी करते हैं और अदब से भी इनको खासा लगा हुआ है। ये तो आपकी जरा नवाजी है, वरना ये बंदा नाचीज किस लाइक। इनसे बातों में कौन जीत सकता है, ये तो लफ्जों के खिलाड़ी हैं। इस नारी को खिलाड़ी समझ के आप गलती कर रहे हैं। हाल बताइए, मेरे हाफिजे का कमाल है कि मैं दीवान की दीवान बयान कर सकता हूँ। ये तो सर शावेस की खासियत है, वरना ये कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मुझे किसी पे रोब डालने का कोई शौक नहीं है, मगर ये रोब लोगों पे पड़ जाता है। फिर तो तुम्हें पता है कि क्या हुआ था। तो क्या फिर आज वो लड़का फिर तुम्हारे रास्ते में आके खड़ा हुआ था? हाँ, बड़ा ही मुस्तकिल मिजाज है। कोई बात की उसने? नहीं ना, चांदनी मेरे साथ होती है इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर पाता। हाय, कहीं उसे तुमसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? शदीद मोहब्बत, जुनूनी इश्क, फिल्मों और कहानियों वाली लव स्टोरी। पहली दफा हम तुम ना मिलते अगर हम